वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन इंशाल्लाह। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। यूनिट नंबर टू, सिटीजनशिप, लेसन नंबर फाइव, फॉर ऑल टू यूज। इसकी हमने रीडिंग की थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे नोटबुक पे। सबसे पहले आप लोग मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, टू फिंगर स्पेस पे मार्जिन ड्रॉ करके, देन डेट डे, यूनिट नंबर टू यूनिट नेम, लेसन नंबर फाइव लेसन नेम, फॉर ऑल टू यूज। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द सर्विसेज नेम्ड इन द लेसन डू यू यूज, कि कौन सी सर्विसेज के नेम आपको लेसन में दिए गए हैं जो आप यूज करते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द सर्विसेज ऑफ स्ट्रीट क्लीनर्स, द पोस्टमैन, द पुलिस एंड द फायर फाइटर। हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज करते हैं? स्ट्रीट क्लीनर यानी जो गलियों को साफ करते हैं, पोस्टमैन, पुलिस एंड फायर फाइटर्स जो आग से लड़ते हैं, यानी जो अगर कहीं आग लग जाती है तो वो आके आग बुझाते हैं, फायर ब्रिगेड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ गवर्नमेंट चूजन, कि गवर्नमेंट कैसे चूज करते हैं लोग? थ्रू एन इलेक्शन, बाय वोटिंग एंड चूजिंग द पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस। कि सबसे पहले इलेक्शन होते हैं, उसके बाद वोटिंग की जाती है और उन लोगों को चुनते हैं हम लोग जिन जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू, कि गवर्नमेंट क्या करती है? इट डिसाइड्स हाउ मच टैक्स we have to pay, it provides us services, provides us water, electricity and transport। कि ये लोग क्या करते हैं, ये फैसला करते हैं कि टैक्स कितना पे करना है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी हमें, और हमें प्रोवाइड करते हैं पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हमें फ्राहम की जाती है। वट इज टैक्स, हाउ इज इट यूज, टैक्स क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? टैक्स इज मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स विच इज यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर देम। के टैक्स वो पैसे हैं, वो रकम है जो शहरियों से वसूल की जाती है, ली जाती है, जमा की जाती है और इसका इस्तेमाल उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने में, खिदमात फ्राहम करने में किया जाता है इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट, अब वर्क पेज सॉल्व करेंगे, वर्क पेज 27। यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, आप हर एक चीज के लिए पेमेंट नहीं करते। राइट फ्री और नॉट फ्री अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, के ये स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं, इनमें से जो फ्री है उसके सामने फ्री लिखना है, जो फ्री नहीं है उसके सामने, यानी जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पे करते हैं, उसके सामने आप लिखेंगे नॉट फ्री। वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, गली में चलने की कोई पेमेंट नहीं हमें पे करनी पड़ती, इसलिए इसका लिखेंगे फ्री। स्टडिंग इन अ स्कूल, स्कूल में फी सबमिट करवाते हैं, एडमिशन फी होती है, फिर मंथली जो फी देते हैं, इसलिए इसका नॉट फ्री। बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप, के दुकान से जब आप लोग कुछ खरीदते हैं तो वो उसकी आप पेमेंट करते हैं, इसलिए नॉट फ्री। ब्रीदिंग फ्रेश एयर, ताजी हवा में सांस लेते हैं तो वो ताजी हवा वो कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो फ्री है। यूजिंग अ बस और अ टैक्सी, कि बस और टैक्सी में जब हम सफर करते हैं तो हम उसको पे करते हैं, ये स्टेटमेंट नॉट फ्री। यूजिंग वाटर टू वॉश क्लोथेस, नॉट फ्री, कि जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी हमारी यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी का हम बिल पे करते हैं, इसलिए ये नॉट फ्री। सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाने के लिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो भी हम उसको फीस पे करते हैं, नॉट फ्री। ड्राइंग क्लॉथेस क्लॉथ्स इन द सन, सूरज में जब कपड़े हम लोग खुश करते हैं तो सूरज की रोशनी, उसकी हरारत जो है वो कुदरती है, अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है, ये फ्री। फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड, कम्युनिटी, टैक्स, सर्विसेज, पब्लिक, प्राइवेट, नेबर्स, ये सिक्स वर्ड्स आपने इधर कलर करने हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी, कम्युनिटी CONNUNITY, कम्युनिटी, ये इसके उल्टे स्पेलिंग इस तरफ लिखे हुए हैं, ये आपने कलर करना है इनको। नेक्स्ट है टैक्स, TAX, टैक्स। सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज। पब्लिक, पब्लिक के भी स्पेलिंग इस तरह लिखे हुए हैं, PUBLIC, पब्लिक। प्राइवेट, प्राइवेट की भी स्पेलिंग PRIVATE, प्राइवेट। नेबर्स, ये
NEIGHBOURS नेबर्स, इनको कलर करना है पेज नंबर 27 पे। क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है एंड वर्क पेज 27 A एंड B इसको सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।